नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। और साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई भर्ती के बारे में। और साथियों, ये जो भर्ती है ये है वेटरनरी वालों के लिए। ठीक है साथियों, ये जो भर्ती आई हुई है ये वन्य जीव चिड़ियाघर जयपुर के अंदर आई हुई है, जिन्होंने ये भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है, नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बता रहा हूँ कि कितने पद है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किन के लिए ये भर्ती है और लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। तो लीजिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। और साथियों, स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव चिड़ियाघर जयपुर, और ये विज्ञप्ति जारी की है कि इस कार्यालय अधीन पशुधन सहायक के 3 रिक्त यानी कि सामान्य श्रेणी जनरल के पदों हेतु आवश्यक अस्थायी आधार अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर पशुपालन विभाग द्वारा इन पदों पर नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति किए जाने अथवा 3 माह जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए राशि ₹17,700 मात्र प्रति माह नियत पारिश्रमिक पर पूर्णतः अस्थायी रूप से लिया जाएगा। साथियों, जिस प्रकार से आप सबको पता ही है कि वन्य संरक्षक वन्य जीव चिड़ियाघर या फिर कोई भी उपवन होता है वहां पर भी वेटरनरी वालों की पोस्टिंग होती है, तो उसी तरीके से ये विज्ञप्ति जारी की गई है उप वन संरक्षक वन्य जीव चिड़ियाघर जयपुर द्वारा, जिसमें पशुधन सहायक के 3 खाली पदों पर उनको टेम्परेरी यानी कि यूटीबी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस के आधार पर लिया जा रहा है 3 माह के लिए। और यह भर्ती पूर्णतः अस्थायी है और ₹17,700 फिक्स परमानेंट आपको सैलरी दी जाएगी। और साथियों, अब फॉर्मेट की अगर बात करें तो आवेदन पत्र का प्रारूप, आरक्षित पदों की संख्या, आवश्यक शर्तें, दिए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप आदि विभागीय वेबसाइट forest.rajasthan.government.in पर उपलब्ध है एवं कार्यालय समय में अंतिम दिनांक से पूर्व कार्य दिवस तक इस कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि जो भी आवेदन प्रारूप है इसका फॉर्मेट है वो आरक्षित पदों की संख्या, आवश्यक शर्तें और दिए जाने वाले जो शपथ पत्र के प्रारूप है वो सभी इनके विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। और इसके अलावा कार्यालय समय यानी कि इसके कार्यालय से भी आप प्राप्त कर सकते हो जो अंतिम दिनांक से पूर्व वहां पर आपको मिल जाएगा। और इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में मूल दस्तावेज कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव चिड़ियाघर जयपुर के कार्यालय परिसर में 26 सितंबर 2023 को 3 PM तक जमा करवाना सुनिश्चित करें। यानी कि जो भी इनका कार्यालय समय है उससे लेकर 3 बजे तक आपको 26 तारीख को, एक ही दिन दिया गया है ये फॉर्मेट जमा करवाने का, 26 सितंबर को आपको फॉर्म अप्लाई करना है, वो भी ऑफलाइन माध्यम से। यानी कि आपको वहां कार्यालय में जाकर ये ऑफलाइन माध्यम से जमा करवाना है। संग्राम सिंह कटियार, IFS, उप वन संरक्षक वन्य जीव चिड़ियाघर जयपुर। ठीक है सर, तो ये भर्ती पशुधन सहायक वालों के लिए है जिनका डिप्लोमा कम्प्लीट है आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ में, और ये ओनली फॉर 3 पदों की भर्ती है साथियों, जो वन्य जीव चिड़ियाघर जयपुर है जो वहां पर पशुधन सहायकों के 3 पदों के लिए भर्ती की जा रही है, वो भी अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर। ठीक है साथियों, जो भी इसमें अप्लाई करना चाहता है तो जयपुर जाकर अपने फॉर्म सबमिट करावे 26 सितंबर 2023 को शाम दोपहर 3 बजे तक। ठीक है साथियों, तो ये जो छोटी सी जो भर्ती आई थी उसकी सूचना मैंने आपको बताई है, और आशा करूंगा कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, और भी कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा सूचना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।